आज हमारे महाविद्यालय में विभागीय परिषद से जुड़ी जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसके विजयी छात्र छात्राओं को छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वैसे ही हमारे जो विभागीय परिषद की छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता था वो जो हमारे महाविद्यालय में हर वर्ष वार्षिकोत्सव होता है अलंकरण समारोह उसमें दिए जाते थे, लेकिन COVID-19 की जो स्थितियां इस समय चल रही हैं और सरकार द्वारा लगातार सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की बात की जा रही है, तो ऐसे में छात्राओं को जो हमारे विभाग में परिषदीय प्रतियोगिताएँ होती हैं उनको विजयी छात्राओं को पुरस्कृत करने के लिए हमने आज आर्ट्स और वाणिज्य संकाय की छात्राओं को अपने यहाँ बुलाया है। कल हमारे यहाँ विज्ञान वर्ग की छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी छात्राओं को एक साथ इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि सभी छात्राओं को बुलाने से ज़्यादा छात्राएं महाविद्यालय में आएंगी और कोविड के संक्रमण की संभावनाएं इससे बढ़ जाएंगी, इसलिए हमने कम छात्राओं को बुलाया है। और हम अब भी जिन छात्राओं को पुरस्कृत कर रहे हैं केवल उतनी ही छात्राओं को हम कक्ष में बुला रहे हैं और उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरस्कार वितरण इसलिए ज़रूरी था कि छात्राओं को इस तरह के जो जितनी भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने से छात्राएँ कहीं ना कहीं उत्साहित होती हैं, प्रोत्साहित होती हैं एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए, और ये एक शिक्षण संस्थान के लिए ज़रूरी भी है। थैंक यू।